अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट जनाजा। सो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने प्रोजेक्ट जनाजे के जितने छोटे मोटे काम थे जो पेंट से पहले होने ज़रूरी थे वो हमने करवा लिए। अब जो मेन काम है वो ये है कि हमने गाड़ी को पेंट करवाना है। होप सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट जनाजा ऑफ सीज़न वन। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी सीज़न वन की। तो चलें सबसे पहले गाड़ी को पेंट करवाते हैं। गाड़ी के फ्रंट बैक बम्पर हमने जुड़वा लिए थे ताकि हम उसको भी कलर मैच करा लें, और ये गाड़ी का कुछ सामान पड़ा हुआ है जो आफ्टर पेंट हम इसको लगवाएंगे। तो अभी हम चलेंगे पेंट की तरफ। सो फाइनली गाड़ी हो गई है पेंट, और मैं भी तकरीबन पेंट ही हो गया हूँ क्योंकि पेंट के साथ साथ रह के उसकी फुहार अच्छी खासी पड़ी है। सो पेंट हमने गाड़ी का करवा लिया। अब सीन ये है कि हमने गाड़ी की जितनी एक्सेसरी है वो हमने इंस्टॉल करानी है। उसमें लाइट्स आ जाती हैं, उसमें उसके बाद ग्रिल आ जाती है, जो जो भी काम है हमने ओके कराना है डेंटर के पास जाके। लेकिन उससे पहले हमें मसला ये आया कि भाई साहब रात को हमने गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट बंद की थी, लेकिन जब सुबह स्टार्ट करने लगे तो हमें एक तोहफा मिला है। वो ये कि जो फ़ैन की तारें हैं वो आपस में जुड़ी हैं और वहाँ पे स्पार्किंग पैदा हुई है और गाड़ी आग लगने से बच गई है। बेहतर यही था कि मैं अब सबसे पहले वायरिंग का काम, तो पहले हम इसका थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं एक्सेसरी इंस्टॉल करवा के सीधा इलेक्ट्रिशियन के पास जाएँगे और इलेक्ट्रिशियन को जाके कहेंगे भाई साहब हमारी गाड़ी को ओके कर दें। अभी जनाब इसके अंदर सारा जो सामान है सीटें वगैरह सारा कुछ फिट करेंगे। ये सारा सामान पड़ा हुआ है इसका, और ये इसका कारपेट है। कल हमने इसके अगले सारे जो है अगला हिस्सा इसको कंप्लीट करा दिया सब चालू। अभी हमने इसका मीटर खोल दिया है, मीटर खोल के और इसकी जो मीटर की थोड़ी सी मसले थे वो क्लियर करेंगे। आज इसकी पिछली जो लाइटें हैं वो भी हम क्लियर करेंगे और पिछला हिस्सा जितना वो चालू कराएंगे। इस वायरिंग को सारी को छुपाएंगे जितनी भी वायरिंग है, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें लाएंगे। उधर ले शीशे लग गए थे कल, लेकिन डेंटर भाई साहब बड़े ढीले बंदे हैं, इस वजह से हमने आज खुद ही सामान ला के और वो करना सारा मामला। एक बार फिर से हम प्रोजेक्ट जनाजे की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। हमने गाड़ी के जितने सन शेड्स हैं, उसके बाद जितनी रपटें हैं, मीटर की तार है, मीटर का कवर है, सब कुछ हमने ख़रीदा है दोबारा से। उसकी वजह यह है कि जो पिछला सामान जो लगा हुआ है वो इस काबिल नहीं है कि उसको दोबारा यूज़ किया जाए, तो हमने इस वजह से न्यू सामान लगा रहे हैं ताकि गाड़ी की लुक में कोई भी किसी किस्म की भी कोई कमी ना रह जाए। आपको पता है गर्मियाँ, अभी फजूक ने फुल टाइम हैवी किस्म का लेमन सोडा पिया है, और अभी हम फिर से हॉर्न के साथ अपनी मंजिल की तरफ प्रवास कर रहे हैं, यानी हम खबार होने जा रहे हैं। कल्टस को आज हमने घर ही खड़ा किया क्योंकि भाई साहब हमारा एक ड्राइवर है वो बहुत तेज चलाता है, ये देखिए। तो भाई हमने गली मोहल्लों में फिरना था, सामान सामून लेना था, खबार होना था थोड़ा सा, इस वजह से पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। ये बंदा मुझे झटके लगा। अभी सीन ये है कि हमने इसका जो ब्लोअर था जो यहाँ से हवा देता है, यहाँ से देता है, यहाँ से देता है, वहाँ से देता है, तो इसको हमने
चालू करवाना है, ताकि आपको पता है आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो मिस्ट सी आ जाती है गाड़ी के अंदर, नमी सी, तो उससे बचने के लिए हमने इसको ऑन करवा रहे हैं। अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्रेश हवा वाला सिस्टम है। और अभी ये देखें ऊपरले हालात छत के, और नीचे फ्लोर सब कुछ खुला पड़ा है। ये इसके पिछले गद्दे पड़े हैं, तो ये अभी गाड़ी समझने के कोशिश वगैरह होनी है गाड़ी की, फिर ये गाड़ी के अंदर से लुक निकलेगी। बाहर से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अंदर से तो बड़े बुरे हालात हैं इसके। अभी सीन ये है कि मैंने गाड़ी की पोशिश भी ओपन करा ली है, सीटें मैंने पोशिश ऑलरेडी करा ली हुई हैं, और उसके बाद अब जो डिग्गी के अंदर है इसके अंदर भी हम कारपेट रख रहे हैं। और इसकी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, सिर्फ पोशिश के ऊपर होगी वो कि मैंने किस तरह करवाई और कहाँ से करवाई है। अभी सीन ये है कि मैंने इसकी फ्रंट ग्लास है उसको चेंज करा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके फ्रंट ग्लास के अंदर यानी फ्रंट स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, जिससे रात को गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी। इस वजह से मैं न्यू डलवा रहा हूँ इसकी फ्रंट स्क्रीन, और साथ ही साथ इसके जो बैक क्वार्टर हैं उनके अंदर जो रबड़ लगी होती है वो इतनी कोई सही नहीं थी लग रही, इस वजह से मैं उसको भी न्यू लगवा रहा हूँ। स्क्रीन हमने न्यू डलवा ली है, ये सुबह हम इसकी सारी टेबल उठा देंगे। हमने ये वाले गप्पे भी नहीं डलवा लिए, ये वाला हिस्सा जो ढोल की है ये हमने नहीं लगवाई है, और जो पहले वाली है उसको उतरवा दिया, ये पड़ी हुई है। तो भाई साहब सीन ये हुआ कि हमने गाड़ी के जो सस्पेंशन का हिस्से का काम करवाया था उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी जो कंघी थी ना वो ख़राब हो गई, लाइक उसका जो कट था कम था, और उसके जो गोडे थे जिनको एक्सल कहते हैं वो भी एक टूट गया, और दूसरा जो था वो मतलब कि उसमें प्ले इतनी थी कि गाड़ी जब चलती तो गड़ गड़ करती थी। तो जो दोनों एक्सल थे उनको हमने नया ले लिया, और जो कंघी है वो हमने काबलिन डाली, हमने 0 मीटर ये हमने कंघी ली है, साथ में दो ये सारे बिल पड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ दो वाइपर लिए हैं फ्रंट के लिए, ताकि बारिश के अंदर हमें कोई मसला ना हो। अभी हम चलते हैं मैकेनिक के पास और जाके ना उनसे करवाते हैं इसकी फिटिंग। यहाँ पे महरू खुली हुई है फुल, ये इसका इंजन है और सारी की सारी खुली हुई है, और इधर हमारी गाड़ी भी खुली हुई है। बाहर मार्केट से हम लेकर आए हैं ये प्लेट कहें तो इसको कहते हैं तवा, तो इसको अब हम ट्यूब लगवाएंगे, टूल लगवा के इसको बिल्कुल यहाँ से जो इसके किनारे वगैरह उनको सेट कराएंगे। दूसरा वर्क पीस भाई कर रहे हैं, पहले वर्क पीस है जो कि साफ सुथरा हो गया, और दूसरे वाले को हमने दोबारा ऊपर लगाया। गाड़ी का जितना सस्पेंशन का काम था और साथ ही साथ ब्रेक्स का काम था वो हमने हर टाइम से ओके करा लिया। अब बारी है गाड़ी को एक बार फिर से वॉश करवाने की, क्योंकि गाड़ी के ऊपर हमने फ्रेश रेगमाल लगवाया हुआ है 1500 नंबर का और 2000 नंबर का, और कलर जितना भी है उसको हमने बराबर किया हुआ है। कंपाउंड रहती है, इस वजह से गाड़ी की जो आपने वीडियो देखी होगी उसके अंदर आपको गाड़ी की मैट सी लग रही होगी, तो इंशाल्लाह इसकी कंपाउंड करवाएंगे, हर लिहाज से ओके कराएंगे। तो एक और प्रोजेक्ट जनाजा आया है, और इसकी हालत आप चेक करें, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये आलमोस्ट समझ लें कि टोटली इसका, क्योंकि हमारी वाली गाड़ी का फ्रेश साफ था, एक दो पीस ख़राब थे बस,
इसका फर्ज की हालत भी चेक करें, फुल टाइम ए टू जी इसका नया डलेगा फर्ज। दरवाजे इसके थोड़े बहुत ठीक है, बाकी डिग्गी भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है, और उसके साथ साथ स्टीयरिंग कवर अच्छा डला हुआ है बस इसको। और ये हमारे उस्ताद हमजा फुल टाइम रगड़ा दे रहे हैं, रफ लगा रहे हैं गाड़ी को। फील द डिफरेंस, सारा हिस्सा रफ हुआ है। ये हमने कारपेट के ऊपर सबसे पहले बिछाया कपड़ा, देन नेक्स्ट इसके ऊपर एक ये शॉपर्स है उसके ऊपर हमने रखा है टायर को। अब हम इसको पेंट करेंगे। ये हमने हर चीज़ खोली हुई है, चेक करें आप। ये कड़े हैं जो हम बाद में लगाएंगे आफ्टर पेंट। यह है कि हमने गाड़ी के शीशे तो ब्लैक करा लिए, लेकिन उसके कुछ हिस्से रहते थे जो हमने बाहरली साइड से भी ब्लैक कराना था, कुछ पेपरिंग करवानी थी गाड़ी पे, कुछ स्टिकर स्टूकर लगवाने थे, तो इस वजह से हम आज आए हैं जनाब दुबई कार डेकोरेशन पे। और स्टिकरों वाले भाई हैं अली भाई, हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।